प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नए वीडियो को लेकर हाजिर हुआ हूं और यह वीडियो 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं 12वीं कक्षा के हिंदी विषय का एक पाठ लेकर आया हूं, जिसका नाम है, शीर्षक है, हो गई है पीर पर्वत सी। हो गई है पीर पर्वत सी के कुछ बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का वर्णन यहाँ पे करूँगा। यदि आप पश्चिम बंगाल बोर्ड के विद्यार्थी हैं, 12वीं के छात्र हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए बना है। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसके लाभ उठा सके। ये आने वाले 2024 परीक्षा के लिए ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं और भी बहुत सारा वीडियो पार्ट वाइज अपलोड किया हूँ हिंदी का, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 12 हिंदी सजेशन 2024, आप उसे ज़रूर देखिएगा जाकर। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि दुष्यंत कुमार का जन्म हुआ था, तो देखिए जहाँ पर टिक आउट का निशान दिया हुआ है 1923 में। दुष्यंत कुमार हिंदी के किस काल के कवि हैं, तो यह आधुनिक काल के। दुष्यंत कुमार ने एमए किया तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। दुष्यंत कुमार का निधन हुआ था तो 1976 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दुष्यंत कुमार की नहीं है, तो कितनी नावों में कितनी बार। दुष्यंत कुमार का चर्चित उपन्यास है तो आंगन में एक वृक्ष। दुष्यंत कुमार मूलतः है तो गीतकार। दुष्यंत कुमार की किस रचना को अधिक प्रसिद्धि मिली, तो एक कंठ बिस प्याई। एक कंठ बिस प्याई किस विद्या की रचना है, तो ये एक नाटक है। दुष्यंत कुमार ने साहित्य के किस क्षेत्र में अधिक प्रसिद्धि पाई है, तो गजल एवं गीत लेखन में। दुष्यंत कुमार की कविता की आत्मा है तो ये क्या है, देखिए उनकी जिंदा दिली, जिंदा दिली है। दुष्यंत कुमार के अनुसार पीर कैसी हो गई है, तो पर्वत सी हो गई है, यानी बहुत बड़ी हो गई है। कवि के अनुसार अब पीर को पिघल जाना चाहिए, अब इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। जब आप कविता का पाठ करिएगा तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा ये सारे बहुविकल्पीय प्रश्न। आज यह दीवार कैसे हिल रही है, तो पर्दे की तरह। कवि के अनुसार किसके हिलने की बात थी, तो बुनियादी, बुनियाद के। बुनियाद है इमारत का नींव। बुनियाद के हिलने से क्या होता है, तो इमारत धाराशायी हो जाती है। बुनियाद को हिलाने की शर्त किसने रखी थी, तो हमारे नेताओं ने। हर गली, हर सड़क, हर गांव, हर नगर में क्या होना चाहिए, तो हर लाश चलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार के अनुसार हर लाश को हाथ लहराते हुए चलना चाहिए। यहाँ लाश के चलने का अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय, देखिए दलित, पीड़ित, हताश लोगों में उत्साह आ जाना। दुष्यंत कुमार का मकसद क्या है, तो सिर्फ हंगामा नहीं खड़ा करना। आलोच्य कविता में मेरा का प्रयोग हुआ है, तो कवि के लिए आलोच्य कविता हो गई है पीर पर्वत सी में कवि की क्या कोशिश है, तो वर्तमान सूरत बदलने की। हो गई है पीर पर्वत सी कविता के किस अंश से लगता है कि कवि परिवर्तन का श्रेय नहीं लेना चाहता, तो मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी कविता में आग का प्रयोग किस लिए हुआ है, तो विद्रोह के लिए। हो गई है पीर पर्वत सी कविता का मूल स्वर है, तो परिवर्तन की चाह। हो गई है पीर पर्वत सी कविता के कवि है, तो दुष्यंत कुमार। हो गई है पीर पर्वत सी कविता कब की लिखी हुई है, तो ये लिखी है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की। हो गई है पीर पर्वत सी कविता
क्या आज भी प्रासंगिक है? तो हाँ, इसका आज भी महत्व है। हो गई है पीर परवसी कविता का छंद है मात्रिक। हो गई है पीर परवसी एक मुक्तक है। दुष्यंत कुमार की कोशिश क्या है? सूरत बदलना। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए पक्ति से क्या अभिप्राय है? कोई रास्ता निकलना चाहिए। हो गई है पीर परवसी किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये साये में धूप। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। उपयुक्त पंक्तियाँ किस विद्या में रचित है? तो गजल में। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। किस कविता का अंश है? तो हो गई है पीर परवसी। अब चलिए देख लेते हैं अतिलोक उत्तरीय प्रश्नों को। दुष्यंत कुमार का जन्म हुआ था, बता चुका हूँ। दुष्यंत कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? तो दुष्यंत कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नवादा गांव में हुआ था। दुष्यंत कुमार का पारिवारिक परिवेश कैसा था? तो दुष्यंत कुमार का पारिवारिक परिवेश एक किसान का था। दुष्यंत कुमार का सेवा क्षेत्र क्या था? तो दुष्यंत कुमार मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सेवा में थे। दुष्यंत कुमार का निधन कब हुआ? तो दुष्यंत कुमार अल्पायु में ही 1976 ईस्वी में निधन हो गया। 23 में इनका जन्म हुआ था, 76 में मर गए, काफ़ी कम उम्र में। दुष्यंत कुमार की चार रचनाओं के नाम लिखिए। तो दुष्यंत कुमार की चार रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत और साये में धूप। कभी दुष्यंत के उपन्यासों के नाम लिखिए। तो दुष्यंत कुमार मूलतः कवि थे पर उपन्यास के क्षेत्र में भी उनका बहुमूल्य योगदान था। उनके चर्चित उपन्यास हैं छोटे छोटे सवाल और आंगन में एक वृक्ष। कवि दुष्यंत कुमार की किस रचना को प्रसिद्धि मिली? तो दुष्यंत कुमार की एक कंठ विश्वव्यापी को अधिक प्रसिद्धि मिली। एक कंठ विश्वव्यापी किस विद्या की रचना है? तो एक कंठ विश्वव्यापी नाटक विद्या की रचना है। दुष्यंत कुमार ने हिंदी साहित्य में क्या प्रयोग किए? तो दुष्यंत कुमार ने हिंदी साहित्य में गीत और गजल के प्रयोग किए। दुष्यंत कुमार ने किस क्षेत्र में भारी लोकप्रियता प्राप्त की? तो दुष्यंत कुमार ने गीत एवं गजल लिखने में भारी लोकप्रियता प्राप्त की। दुष्यंत कुमार के काव्य संसार में क्या दिखाता है? तो दुष्यंत कुमार के काव्य संसार में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। दुष्यंत कुमार की कविता की क्या विशेषता है? तो कवि दुष्यंत कुमार की कविताएं भविष्य के प्रति अस्थावन और वर्तमान के प्रति संघर्षशील अनुभूतियों से युक्त है। दुष्यंत कुमार के कविता की आत्मा क्या है? तो दुष्यंत कुमार के कविता की आत्मा उनकी जिंदा दिली है। हो गई है पीर परवसी कविता में किसके दर्शन होते हैं? तो हो गई है पीर परवसी कविता में भाषा की सरलता, विम्बात्मकता और प्रतीक विधान के समन्वय दर्शन होता है। दुष्यंत कुमार किस प्रकार के कवि थे? तो दुष्यंत कुमार अपने युग के स्पंदन से जुड़े कवि थे। आज़ादी के 60 वर्षों के पश्चात भी हमारी पीर कैसी बन गई है? तो आज़ादी के लंबे अरसे के बाद भी हमारी पीर पर्वत सी बन गई है। हिमालय से गंगा निकलने का फल क्या होगा? तो हिमालय से गंगा निकलने से आम जनता को उसका प्राप्य मिलेगा जिसको चंद लोगों ने कैद कर रखा है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान जनता ने क्या वादा किया गया था जनता से? तो आज़ादी की लड़ाई के दौरान जनता से यह वादा किया गया था कि उसे उसका प्राप्य मिलेगा, प्रगति की रोशनी हर घर आंगन में जाएगी। आज़ादी के बाद क्या हुआ? आज़ादी के बाद शासकों की लूट खरोच और भ्रष्टाचार ने सब कुछ नष्ट कर दिया। शासक शोषक बन गए और उन्होंने हमारे प्राप्य को अपनी तिजोरी में कैद कर लिए। आज़ादी की प्रगति की रोशनी कहाँ तक नहीं पहुँची? तो
तो आज़ादी की प्रगति की रोशनी आम आदमी के घर आंगन में नहीं पहुँच सकी। आम आदमी आज़ादी से वंचित हो गया, वह ठगा महसूस करने लगा है। आज़ादी की समर्थकता किसमें है? तो आज़ादी की सार्थकता हर आदमी के जीवन में प्रगति एवं उत्थान में है। भ्रष्टाचार की बुनियाद को हिलाने के लिए क्या करना होगा? तो भ्रष्टाचार की बुनियाद को हिलाने के लिए फिर से संघर्ष करना होगा। आलोच्य कविता में पीर पर्वत सी के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो कवि जन चेतना जागृत करना चाहता है। वह जनता के सोए पुरुषार्थ को जगाना चाहता है और शासकों को आगाह करना चाहता है। जब आम आदमी सड़क पर उतर जाता है तो क्या होता है? जब आम आदमी सड़क पर उतर जाता है तो संघर्ष, विद्रोह एवं व्यवस्था परिवर्तन होता है। क्या आप इस कथन से सहमत है कि आज़ादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब कुछ पहले से भी बुरा हो गया है। दुष्यंत कुमार की क्या कोशिश है? कभी यह कोशिश करना चाहता है कि इस हालात में, परिस्थिति में बदलाव आए। कभी की पीड़ा का कारण क्या है? तो आज की व्यवस्था को देखकर, शासकों के लूट खरोच और अत्याचार को देखकर वह पीड़ित है। कवि के अनुसार व्यवस्था परिवर्तन का सूत्रपात कहाँ से होगा? तो कवि के अनुसार व्यवस्था परिवर्तन का सूत्रपात हर गांव, गली और शहर से होगा। कवि ने आज की व्यवस्था को देखकर क्या कहा है? तो आज की व्यवस्था शोषण और पीड़ा को देखकर कवि ने कहा है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। कवि की हताश और निराशा का कारण क्या है? तो कवि की हताशा और निराशा परिस्थिति जन्य है। सबने सोचा था कि आज़ादी जब मिलेगी तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। क्या कभी परिवर्तन का ध्वज वाहक स्वयं बनना चाहता है? नहीं, कभी परिवर्तन का ध्वज वाहक स्वयं नहीं बनना चाहता, वह सिर्फ चाहता है कि परिवर्तन हो। कभी की चाहत क्या है? तो कभी दुष्यंत कुमार मानवीय पीड़ा से त्रस्त नजर आते हैं। वे चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन की भावना नष्ट नहीं होनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी हिंदी कविता की किस विद्या की रचना है? तो यह हिंदी काव्य की गजल विद्या की रचना है। दुष्यंत कुमार ने किस चुनौती को स्वीकार किया है? तो दुष्यंत कुमार ने हिंदी में भी बढ़िया गजल लिखा जा सकता है, उस चुनौती को स्वीकार किया है। दुष्यंत कुमार की किस मूल रचना से यह कविता ली गई है? तो यह कविता दुष्यंत कुमार की मूल रचना साये में धूप से ली गई है। दुष्यंत कुमार ने दीवार शब्द के माध्यम से क्या संकेतिक किया है? तो समाज में व्याप्त विषमता को संकेतिक किया है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति में गजलकार दुष्यंत कुमार कहते हैं कि शासन व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था ने अब विशालकाय पर्वत का रूप धारण कर लिया है, जिससे आदमी की पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। इसलिए क्रांति रूपी गंगा की आवश्यकता है, जो देश एवं आम आदमी की दुरावस्था को पिघला सके। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए से क्या अभिप्राय है? तो दुष्यंत कुमार भारत में व्यवस्था परिवर्तन की आकांक्षा रखते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।